बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आप जैसी हस्ती महल में रहने के लायक है। आपका वो महल और उसकी पथरीली दीवारें मेरे लिए नहीं है। क्या तुम मुझे मेरी हद याद दिलाओगी अफसा खातून? मैंने तुमसे कहा इसे ले जाओ तो ले जाओ। सलजान, क्या हो रहा है ये? संभालो अपने आप को जरा। मार्गिन ने मालूमात दी है, ड्रेगोस के आदमियों ने मंगोलों से सोना ले लिया है। बहुत खूब, मेरे भाई ने एक सही फैसला भी किया है। वो दोनों कबाइल के इत्तेहाद के लिए मेरी बहन सिरमा को आपकी खातून बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह आज का ये इशाया उन तमाम रंजिशों को भुला देगा जो हमारे दरमियान रही। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ माजी का हिस्सा था। मुआहदे के मुताबिक हम इसमें से आधा सोना अर्तुरुल को कब देंगे? हरगिज नहीं देंगे। तो क्या ये जंग का पेशखेमा नहीं होगा? अल्लाह के हुक्म से और अपने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए इलबिल के खातून का खास्तकार हूं। मेरी रजा आपके साथ है। अर्तुरुल सरदार का रिश्ता कबूल है मुझे। सबसे पहले हमें सोने के मसले को हल करना होगा। अर्तुरुल सरदार अल्लाह के हुक्म से मेरी बहन से निकाह के ख्वाहिशमंद हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे। तमाम महसूलात की जिम्मेदारी आपकी थी। मंगोल सबसे पहले आप ही से तहकीकात करेंगे। भाई चाहते हैं कि मैं अमीर बहुद्दीन से शादी कर लूं। इसका मतलब वो मुझे जिंदा दफन कर देना चाहते हैं। सोचिए, एक सलजूक अमीर की सौजा बनेंगी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुझे नहीं बनना सिरमा। आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप? किसी और को पसंद करती हैं क्या? नहीं, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? आंखों ने कहा है आपकी। औताक में अर्तुरुल सरदार को जिन नजरों से देख रही थी वो नजर इज्जत की नहीं मोहब्बत की थी बाजी। अमीर बहुद्दीन के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, बल्कि उससे निकाह करके जीते जी मर जाऊंगी। अल्लाह के हुक्म से और अपने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए इलबिल के खातून का खास्तकार हूं, बशर्ते कि इसमें रजा शामिल हो इनकी। मेरी रजा आपके साथ है। अर्तुरुल सरदार का रिश्ता कबूल है मुझे। तो आपने मुझसे झूठ कहा, बेवकूफ बनाया मुझे। तो ये सब इसलिए था बाजी, आपने मेरी खुशियां छीनी है मुझसे। हर खुशी को गम में बदल दूंगी मैं आपकी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं हो सकती। मालकिन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? चली जाओ वरना मार डालूंगी तुम्हें। जाओ, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। इलबिल के खातून, मेरा नाम सिरमा है।
हर एक खुशी छीन लूंगी मैं तुमसे। काश के कालीन के बजाय आपके लिए मेहंदी लाते बिलगे खातून। आखिर आपकी मुराद जो पूरी हुई है। इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी सलजान खातून। जिस दिन से तुम यहां आई हो, जो खेल तुम खेल रही हो वो मेरी नजरों से मख्फी है, ये समझती हो तुम? मैं आपके इन बेकार सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मुझे जो कहना होगा वो कहूंगी, जो जरूरी होगा वो करूंगी। इस मकसद के लिए किसी खेल को रचाने में मेरा कोई हाथ नहीं। खवातीन, ये कोई वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। क्यों नहीं, असल वक्त तो यही है वालिदा। अभी बात साफ हो जाए ताकि हर एक को सच्चाई का मालूम हो जाए। आपके अंदर का वहम आपकी अकल पर हावी हो गया है सलजान खातून। जो दिल चाहे कीजिए, जो कहना चाहती हैं कहिए, मगर भूलिएगा नहीं, आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर गुनाह कमा रही हैं। खवातीन, अब इस मौजू पे बात करके फैसला करना बेबुनियाद का काम है। बाकियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि हर एक अपनी जगह मोहतात रहे, क्योंकि यही अकल का तकाजा है। गैर जरूरी बहसों मुबहसे से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वालिदा, इल्बिलगी खातून समझती हैं कि मैं उनके साथ कुछ बुरा कर रही हूँ, हालांकि मैं हर बात उनके मुंह पे साफ कर रही हूँ। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, दोस्ती से बढ़ के भी क्या कोई रिश्ता होता है। मैं तो बस इन्हें इनके मजमूम इरादों के नताइज से बाखबर करना चाहती हूँ। बिल्कुल जैसे दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती, उसी तरह दो मोहब्बतें एक दिल में जागुजी नहीं हो सकती। अर्तुरुल भाई के दिल पर हलीमा सुल्तान की मोहब्बत की मोहर सब्त है, इसलिए ये पेशकश मोहब्बत की अलामत तो हरगिज नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। जहन नशीन कर लो। अर्तुरुल सरदार को जो कहना था वो कह दिया। अगर वो अपनी जुबान का पास रखते हैं तो मैं भी उनका साथ जरूर दूंगी, याद रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए वालिदा। मैंने आपसे कहा था ना वालिदा, हमें बहुत मोहतात रहना होगा इन लोगों से। ये वाज़े कि ये हमेशा से तलबगार थी अर्तुरुल सरदार की। मैंने हलीमा सुल्तान का नाम लिया तो वो अर्तुरुल भाई पे डाल गई सब कुछ। आ सलजान, आ, तुम कभी नहीं बदल सकती। जो शख्स दिन की रोशनी में रात का ख्याल नहीं रखता, उसे रात अंधेरे में गुजारना पड़ती है। इल्बिल के खातून जब सरदार की खातून बनकर कबीले में और औताक में आ जाएगी, उस वक्त तुम क्या करोगी सलजान? जवाब दो, क्या करोगी सलजान? आप मुझसे होने वाली तफ्तीश पर बहुत खुश हैं अर्तुरुल सरदार? मैं इस बात पर कतन खुश नहीं, इसके बरक्स लोगों का सोना चले जाने पर परेशान हूं, अफसोस है मुझे। बेफिक्र रहे, वो सोना ढूंढ लूंगा मैं और लूटने वालों को इबरतनाक सजा दूंगा। उम्मीद है जो आप कह रहे हैं उसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि आप सोने की हिफाजत करने में नाकाम रहे।
वो आप पर एतमाद करेंगे भी या नहीं क्या मालूम। क्यों एतमाद नहीं करेंगे मुझ पर? मंगोलों ने अनातोलिया पर अब तक मेरी वजह से हमला नहीं किया अर्तुरल सरदार, मेरी वजह से वो यकीनन मुझ पर एतमाद करेंगे। मेरे ख्याल से मंगोलों के साथ रियासत के मफाद में आपने कोई गठजोड़ कर लिया है, या यूं कहें कि सलजूक रियासत को मंगोलों के हाथों में दे दिया है। अक्ल और इरादे तो उन्हें बेच चुके, अब अपनी रूह न बेच दीजिएगा। मेरी रूह रियासत के लिए वक्फ है अर्तुरल सरदार, यहां सऊद में आराम से बैठकर कोनिया के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। रियासत को मंगोलों के पैरों तले रखते देखा है आपको, रियाया को आपने मंगोलों के रहमो करम पर छोड़ दिया, अनातोलिया में भी किस तरह मजलूम दुहाई दे रहे हैं देखा है मैंने। अर्तुरल सरदार, इस वक्त इस मसले को हल करने की जरूरत है, एक दूसरे से उलझना हमारे लिए ही नुकसानदेह है, इत्मीनान रखिए आप। बतर सिपाही, फौरन कोनिया जाओ और सिपाही लेकर आओ, हमें काफी सिपाही दरकार होंगे, जाओ। जितनी जल्दी हो सके मुझे कारवां सराय जाना है। मैं आपके साथ चलूंगा अमीर हजरत। तो फिर हमें इजाजत दीजिए। अर्तुरल सरदार, हमारे माबेन जो गुफ्तगू हुई उस पर वापस आकर बात करूंगा आपसे। बहुत शुक्रिया। अनातोलिया का सारा सोना हमारे पास आ गया है जनाब, बादशाह के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, इतना सोना है हमारे पास। सही कहा, हम इस सोने से बादशाह के खिलाफ बआसानी कदम जमा सकते हैं। और वो अर्तुरुल, उसका क्या करेंगे हम जनाब? हालांकि मैं उसका खून देखने को बेकरार हूं, लेकिन हक नहीं मार सकता उसका, वो एक असीम जंगजू है। अब जबकि हम मालदार हो चुके हैं, तो अर्तुरुल की शराकत दारी से इस सर जमीन पर सबसे बड़ी रियासत कायम कर सकते हैं। क्या मतलब है आपका? बहुत एतबार है मुझे उस पर। अर्तुरुल को खबर भेजो कि सोना किले में है, कल आकर आधा सोना ले जाए। फिर उसके बाद? उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब? अर्तुरुल को हम शाह बुलाकर मारेंगे, उसके बाद हम इस सरजमीन पर तुर्कों का कत्लेआम करेंगे। ये हमारे हासिल करदा सोने से कहीं ज्यादा दिलफरेब है जनाब। इस सब का क्या मतलब है बाजी? सिरमा, आओ आराम से बैठकर बात करते हैं। आपने रिवायात की तौहीन की है और मुझसे आराम से बैठकर बात करने का कह रही है? यकीन करो, इस बारे में कोई खबर नहीं थी मुझे, मुझे भी तुम्हारे सामने ही पता चला। सिरमा, झूठ बोल रही है आप। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी सिरमा? क्योंकि आप मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती हैं। आपसे पूछा था मैंने, अर्तुरुल सरदार को पसंद करती हैं क्या आप? मगर कुछ नहीं कहा आपने, खामोश रही, छुपाती रही। जब आप सराय में उनसे बात करने गई तो मौका देखकर उन्हें मुझसे शादी करने से रोक दिया।
सिरमा, मेरी बहन, देखो मेरी बात सुनो। मेरी आज से कोई बहन नहीं है, मत कहो मुझे बहन। बहुत हो गया। अभी एक मसला खत्म नहीं हुआ के तुम लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। खुद पूछिए आप बाजी से भाई कि इन्होंने सरदार के फैसले की खिलाफ वर्जी आखिर क्यों की है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि फैसला मुझे ही करना है। इन्हें मालूम था कि अर्तुरुल सरदार से आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, फिर भी इकरार किया इन्होंने। ये गद्दारी है, खेल खेला है इन्होंने। अमीर बहाउद्दीन से शादी ना करने के लिए ऐसा किया। और अब आप अपना फैसला सुना दीजिए ताकि ये भी सुन ले, कोई ताल्लुक नहीं है अर्तुरुल सरदार से इनका। फौरी तौर पर इस बात का फैसला नहीं कर सकता मैं। इस वक्त हमें इससे भी बड़ा मसला दरपेश है, पहले उसे सुलझाने की जरूरत है। रियासत का मामला है ये, रियासत का। अगर रियासत ही ना रही तो ना तो कोई शादी होगी और ना कोई जश्न मनाया जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरी वापसी तक इस मामले पर कोई बात नहीं होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच पूछिए तो मैं बहुत हैरान हूं, आखिर क्या मकसद है इस शादी का? मेरा दिल हलीमा की अमानत है, इस दिल में उसके अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। औताक में तो कोई खातून दाखिल हो सकती है, लेकिन दिल में नहीं मेरे। मैं ये निकाह अपने कबीले और इस सरजमीन पर अपनी हुकूमत के बेहतर मफाद में करूंगा। अर्तुरुल सरदार, उमर लार काबिल एतबार नहीं। अगर ये फैसला सिर्फ उन्हें अपना हमनवा बनाने के लिए है तो फिर बजाय सिरमा के अलबिलगी खातून क्यों? बेटा, मैं इस बात से मुताजिब हूँ, बेबौलाद तुमसे सिरमा की शादी कराना चाहता था, लेकिन तुमने अलबिलगी को मुंतखब किया और वो भी अमीर बहाउद्दीन के सामने, आखिर क्यों? इलबिलगे खातून की अमीर बहाउद्दीन से शादी को रोकने के लिए यह किया मैंने। अमीर बहाउद्दीन कोनिया के महल में मौजूद मंगोलों का एक खतरनाक मोहरा है, अगर उसकी इलबिलगे खातून से शादी हो जाती है तो उम्रुल्लार कबीला मंगोलों की ताकत से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और इसका नतीजा आप जानते हैं, हमारा कायम करदा निजाम तबाह हो जाएगा और मंगोलों के खिलाफ हमारी आजादी की जंग और जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचेगा। यकीनन ये रिश्ता इस शैतानी इत्तेहाद के खात्मे का बाइस बनेगा और साथ ही हमारे निजाम की बका और आजादी की जंग जारी रखने का सबब भी बनेगा। तुमने एक अहम मसले के पेश नजर ये फैसला किया, ये वाजे है, लेकिन तुम्हारी माँ होने की हैसियत से तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए वालिदा। तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इलबिलगी खातून से शादी करने के बाद तुम्हें खुद उन्हें बताना होगी, उन्हें बिठाकर समझाना होगा तुम्हें। बाबा, आप इलबिलगी खातून से शादी कर रहे हैं? उस्मान, अपने भाइयों से कहो कि मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, क्या मैं भी साथ आऊं? नहीं वालिदा, अपने बच्चों से खुद बात करूंगा मैं। अर्तुरुल, अगर वो राजी ना हो तो उन्हें दुख मत देना बेटा,
मालूम है तुम्हें एक तवील अरसा माँ के बगैर गुजारा है उन्होंने, उनके लिए ये कबूल करना मुश्किल होगा। जानता हूँ वालिदा, परेशान ना हो आप। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो अर्तुरुल भाई ने बिलगे खातून को रिश्ते की पेशकश कर दी, उन्होंने तो हैरान कर दिया हम सबको। हमें भी बहुत हैरानी थी, और साथ ही उस वक्त उमरोलार वालों का चेहरा देखने के काबिल था, उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मुझे तो अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। ये हो चुका है भाई, और बहुत बहुत अच्छा हुआ ये। अर्तुरुल भाई की शादी होगी, जश्न होगा कबीले में, हमारे सामने भुना हुआ गोश्त होगा, कई तरह के मशरूबात होंगे। इस बारे में सोचो भाइयों, इस बारे में सोचो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मेरे माशाल्लाह। चलो आ जाओ भाइयों, काली भेड़ का शोरबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये लो भाई। बहुत शुक्रिया बंसी भाई। तुम भी लो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। चलो चलो शुरू करो। हाँ माशाल्लाह। अरे खाइए बंसी भाई, से पहले कि ये ठंडा हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन मुझे भूख नहीं है। मैं अपनी खातून के साथ खाना खा चुका हूं। इतना ही नहीं भाइयों, बल्कि खाने के बाद कहती है आपने खाया ही क्या है, शादी का यही फायदा होता है। तुम लोग भी अपने बारे में कुछ सोचो भाइयों। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बंसी भाई? अपने निकाह के बारे में सोचो सिपाही, निकाह के बारे में। अर्तुरुल भाई भी अब शादी करके अपनी खातून को कबीले ले आएंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है वो खातून भी अर्तुरुल भाई का हरीमा सुल्तान की तरह साथ दे इंशाल्लाह। खातून मर्द की जिंदगी में ठहराव लेकर आती है। हम तो अपनी तलवारों के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं बंसी भाई, खातून तलाश करने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। हाँ दुमरुल, और दिल का क्या हो, एक मर्द का दिल किसी तेज धार तलवार से कम नहीं होता मेरे भाई। अगर दिल मोहब्बत की धार से तेज ना हो और वो अपने वजूद की नियाम में पूरा ना आ सके, तो उसे जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। मैं भी पहले अपनी तलवारों से ही इश्क किया करता था, लेकिन फिर अचानक, शुक्र है अल्लाह का, मेरी जिंदगी में हफ्सा खातून आ गई। बहुत शुक्र है भाई, शुक्र है अल्लाह का। ये तो अपनी अपनी किस्मत है बंसी भाई, नसीब तो अल्लाह ही बनाता है। देखो जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन खुद की भी आमादगी बहुत जरूरी है। अपनी खातून चुनने के लिए बहुत बारीक नजर चाहिए। चलो खाना खाओ, जी भर कर खाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खाओ मेरे भाइयों। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं, ये दूसरी शादी की बात कहां से आ गई अचानक। मेरे शेरो आओ बैठो यहां। उस्मान ने जो कहा क्या वो सच है बाबा, इलबिल के खातून से शादी कर रहे हैं आप? मुझे यह करना होगा कुंदुस, दुरुस्त है ये। साउजी और उस्मान वालिदा को नहीं देख पाए, लेकिन मैंने देखा है उन्हें जाना है, उनके बाद अपने औताक में किसी और खातून को देखना बहुत मुश्किल है बाबा। मेरे बहादुरो, तुम्हारी परेशानी समझता हूं मैं, लेकिन तुम लोगों को भी समझना होगा कि मैं क्या चाहता हूं।
मैं ये सब कुछ अपने कबीले के लिए और हम सबके मुस्तकबिल की खातिर कर रहा हूं। इल्बिलगे खातून से शादी और इस सब का क्या ताल्लुक है बाबा? गौर से सुनो मेरी बात। हम दरमियान में हैं, हमारे मगरिब में बाज़ंतीन हैं, हमारे मशरक में मंगोल घात लगाए बैठे हैं। हम एक ऐसे रास्ते पर हैं कि अगर खुद को ना संभाला तो इन शैतानी ताकतों के हाथों तबाह हो जाएंगे। एक जानिब से मंगोल हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब बाज़ंतीन ही हमें निगलने को तैयार बैठे हैं। तुर्क कबाइल क्योंकि हमारे दुश्मन के लिए आसान हदफ साबित नहीं हुए हैं, इसलिए वो हमें मुंतशिर करना चाहते हैं और ये काम वो अपने झूठ और फरेब के जरिए कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके इस फितने को रोकना होगा फौरी तौर पर। इस फितने को रोकने का वाहिद तरीका सिर्फ शादी है क्या बाबा? हमने इससे पहले भी बहुत से फितनों का सामना किया है बाबा, हर दुश्मन को अपनी तलवार से शिकस्त दी है। गुंदुस, ये फितना इतना बड़ा है कि अगर हमने इसे अपनी तलवारों से रोकने की कोशिश की तो इससे बड़े मसाइल हमारे सामने होंगे। ये फितना फैलाने वाले इसी बात के मुंतजर हैं, इन जहरीले सांपों और इन खूनी पंजों वाले गिद्धों को अगर हम तबाह करना चाहते हैं तो ये रिश्ता जरूरी है। तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए भी ये आम है। कोनिया मंगोलों के और बेबसीरत हुक्मरानों के हाथों में बर्बाद हो रहा है। हमने एक नई रियासत की बुनियाद रख दी है और ये तमाम कोशिशें जो हम कर रहे हैं ये उस नई रियासत को परवान चढ़ाएंगी। मुमकिन है कि हम नई रियासत को देख ना पाए लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा और तुम्हारे मुकद्दर में हुआ तो तुम जरूर इस रियासत को देखोगे, लेकिन फिल वक्त जो कुछ मुझे नजर आ रहा है उसे देखने से कासिर हो तुम सब। कोई सुराग मिल जाए तो हम कुछ करने के काबिल हो सकते हैं। मुझे अंदाजा है यह सब किसने किया है। किसने? ड्रेगोस। उसके अलावा यहां ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता। तुम्हारे काफिले पर भी हमला उसी ने किया था लेकिन उसने यह सब अकेले नहीं किया होगा। किसके साथ मिलकर किया होगा? किले से निकलने के लिए ड्रेगोस को क्या पेशकश की अर्तुरुल सरदार? अर्तुरुल, अर्तुरुल सरदार किले से वापस आने के बाद सो उतारे थे और उसकी अगली शब वो हमारे साथ थे, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं अमीर हजरत? उसका नाम लेने से मकसद ये नहीं कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं था। याद करो, अर्तुरुल से ड्रेगोस को की जाने वाली पेशकश का जब मैंने पूछा तो उसने कितनी जल्दी बात बदल दी थी। इस कारवासराय में महसूल मौजूद होने की मालूमात अर्तुरुल ने ड्रेगोस को पहुंचाई और ड्रेगोस ने हमला कर दिया। वो इसी पेशकश के सबब
उस किले से बाहिफाजत निकला, समझे? मुझे सबसे पहले इस बारे में तहकीकात करना होंगी अमीर असद। बाल्दीन, बाल्दीन, तुम जिम्मेदार थे सबके बाल्दीन, और अब अलाकु खान महसूल के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कमांडर, मैं यहाँ तहकीकात के लिए आया था और अपने आदमियों को कोनिया भेजा है ताकि वो सिपाही लेकर यहाँ पहुंच जाए। मैं जानता हूँ इसे कैसे हल करना है बहुत। तुम्हारी खाल उतार कर इसे सोने से भर दूंगा मैं और अलाकु खान को भेज दूंगा। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुल रहमान। लेफ के किले से खबर आई है भाई, सोना किले में है, उन्होंने आधा सोना देने के लिए आपको बुलाया है। सोना तो गार में है भाई, आखिर क्या इरादा है उनका? किले बुलाकर वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं मार्गिन। किले आएंगे हम, बता दो उन्हें जाकर अब्दुल रहमान। जो आपका हुक्म भाई। भाई अगर आप जानते हैं कि वो आपको मारना चाहते हैं तो आपने जाने की हामी क्यों भरी? वो खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे बंसी। तुरगुत, जंग की तैयारी मुकम्मल कर लो। ड्रैगोस को हम ऐसी कारी जर्ब लगाएंगे कि वो हमारी जिन तलवारों को जंगालूद समझ बैठा था उनकी काट भी देख लेगा। जो आपका हुक्म भाई। बंसी, सारे सिपाहियों को जमा करो। तुम गीदड़ों के गौल ने कारवां सराय को अपनी पनाहगाह बनाया है तो फिर शेर क्यों ना हमला करें? इंशाल्लाह भाई। भाई अमीर बहाउद्दीन को भी खत्म करना है हमें। इतनी जल्दी हम उसे खत्म नहीं करेंगे बंसी। उसके पास जो अहम मालूमात हैं पहले उन्हें हासिल करेंगे। वो क्या है भाई? अलबस्ती, वो जालिम कौन है फौरी तौर पर जानना जरूरी है हमारे लिए। अगर उसे हमने पकड़ लिया तो हम मंगोलों के हाथों तुर्क कबाइल के कत्लेआम को रोक सकते हैं। वो हमें तुर्क कबाइल को जमा करने से रोकने के लिए मजाहिमत कर सकता है। हमें उसे ढूंढकर फौरन खत्म करना होगा। संदूक के लिए कहा, तुम नहीं ढूंढ पाए। हमारा वक्त जाया किया तुमने। सोने की हिफाजत करने को कहा तुमसे तो सोने की भी तुम यहाँ हिफाजत ना कर सके। अगर तुम्हारी जगह किसी जानवर को अमीर बना देते तो हमारे लिए बेहतर होता। कमांडर, कोनिया से सिपाही आते ही होंगे, सारी तहकीकात खुद करूंगा मैं, वादा है मेरा। जल्द से जल्द सोना और कातिलों को तलाश कर लूंगा मैं। तुम्हारे ये सब दावे फजूल हैं। तुम किसी काम को पूरा ना कर सके, सजा भुगतना होगी तुम्हें। सिपाहियों, कालीन में लपेट दो इसे। सिपाहियों से कहो कि घोड़ा दौड़ाए इस पर। और तुरंत मुलाकात है इस मामले में, लेकर आओ इसे। इस मामले से अर्तुरुल का क्या ताल्लुक है? उस पर हमें संदूक के मामले में भी शक नहीं है क्या कमांडर? उसी ने हमारे कश्ती दस्ते पर भी हमला किया था। मुझे यकीन है कि अर्तुरुल इस सब के पीछे है। मुझे वक्त हो ताकि मैं ये सब साबित कर सकूं। तुम्हारा कहना है कि ये सब अर्तुरुल ने किया है? अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अर्तुरुल का नाम ले रहे हो? हमने तुम्हें पूरा इख्तियार दिया था। अगर ये सच है तो फिर अर्तुरुल जिंदा क्यों है अब तक? कर दूंगा, बहुत जल्द कर दूंगा, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो अर्तुरुल एक बार फिर बच निकलेगा। ले जाओ इसे, डाल दो जिंदान में, बाद में सोचूंगा इस बारे में।
अलबास्ती, तुम रुको यही, हमें कुछ बात करनी है। माँ की हैसियत से औताक में खातून को देखना यकीनन उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्हें कुछ वक्त लगेगा ये सब समझने में। एक बार आप जासूस बनी, दूसरी बार हमारी दुश्मन, फिर भी हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन अब आप हमारे औताक की खातून बनना चाहती हैं। सोचा भी कैसे आपने? अगर तुमने ये जिम्मेदारी पूरी कर दी तो सरदार आला बन जाओगे, और अगर तुम इस जिम्मेदारी में नाकाम रहे तो हम अपना पूरा लश्कर ले आएंगे, और फिर अर्तुरुल का ही नहीं तुम्हारा कबीला भी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है तारा, तुम जो चाहे कर लो, ये सोना यहां से नहीं ले जा सकते। तौहीन नहीं करवाना चाहती मैं अपनी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।